हेलो एवरीवन, पत्रिका एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो इस बार का जो 15 अगस्त है वो हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हाल में अक्षय कुमार की जो मूवी है मिशन मंगल, उसका टीज़र रिलीज़ हो चुका है और ये मूवी जो है वो 15 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। आपको बता दें, ये मूवी बहुत ही खास है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है जो एक साथ काम कर रही है, जिसमें कि तापसी पन्नू, विद्या बालन, खुद अक्षय कुमार तो है ही, इसी के साथ शर्मन जोशी भी हैं, कीर्ति खरबंदा जैसे कई बड़े स्टार्स हैं जो एक साथ काम करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज मिशन मंगल की यही है कि इसमें काफी बड़ी स्टार कास्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस मूवी का, वो ये है कि ये जो मूवी है ये हमारी भारत की सच्ची घटना पर आधारित है। भारत के इतिहास में इसरो का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको बता दें कि जो मिशन मंगल है, यानी कि मंगल ग्रह तक ले जाने वाला एक रॉकेट बनाया गया था जो कि इसरो ने बनाया था। कई सारी कंट्रीज थी जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। भारत को ये अचीवमेंट मिली थी कि उन्होंने काफ़ी कम बजट में मंगल ग्रह तक अपना जो रॉकेट है वो पहुंचाया था। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था भारत का, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और ये उस टाइम का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारी कंट्री इंडिया के लिए। तो इसी की कहानी को एक बार फिर दर्शाया जा रहा है, जिसमें कि अक्षय कुमार जो हैं, अगर हम टीज़र की बात करें ऑल इन ऑल, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो टीज़र है ये काउंटडाउन से शुरू होता है, जिसमें कि सबसे पहले अक्षय कुमार दिखाई देते हैं, उसके बाद लगातार जो फिल्म के अंदर स्टारकास्ट है वो नजर आती है और एक 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 करके सारी स्टारकास्ट को रिवील किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि जो टीजर से ही हम देख सकते हैं कि किस तरह की ये फिल्म होगी और काफी सीरियस टॉपिक पर है। तो और भारत से रिलेटेड जो भी फिल्में आती हैं वो अक्सर लोगों के दिलों को छू ही जाती है। हमारे देश को इतनी अचीवमेंट्स मिली है, तो इस कारण भी हम कह सकते हैं कि ये मूवी काफी खास हो सकती है। ये बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये फिल्म जो है ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल करती है या नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि अक्षय जल्द ही गुड न्यूज़ में, सूर्यवंशी फिल्म में और इसी के साथ हाउसफुल 3 में नज़र आएंगे। तो ये साल अक्षय के लिए काफ़ी खास होने वाला है। और ये मूवी, अभी तक इस मूवी का इतना हाइप क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन इस टीज़र के बाद से लगातार लोग देखना चाह रहे हैं कि ये फिल्म किस तरह की होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।